और इस वक्त की बड़ी खबर, नौकरी घोटाले में आज तेजस्वी यादव सीबीआई के सवालों का सामना करने वाले हैं, तो मीसा भारती को भी ईडी ने समन जारी किया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से पहले ही इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। तेजस्वी यादव नौकरी घोटाले में पहली बार आज सीबीआई के सामने पेश हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को पहुंचा दें, सीबीआई दफ्तर में तेजस्वी यादव की आज पहली पेशी। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम लोगों शुरू से ही हम लोगों ने कॉपरेट किया है, सहयोग किया है, लेकिन जो देश में माहौल है आप सब लोग जान ही रहे कि झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रेया चटर्जी और मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? तेजस्वी यादव निकल चुके हैं क्या? सवालों का सामना करना होगा आज? जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले कोर्ट ने आदेश दिया था जिसके बाद तेजस्वी यादव आज सीबीआई के सामने जाएंगे। कोर्ट में सीबीआई ने साफ कर दिया था कि आज सिर्फ उनसे पूछताछ होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन इस मामले में देखिए, सीबीआई ने पहले उनके घर पे छापेमारी की, ईडी ने उनके घर पे छापेमारी की है और इस तरह का दावा किया जा रहा है कि जो नौकरी के बदले जमीन घोटाला था उसके पैसों का इस्तेमाल करके तेजस्वी यादव ने कई बेनामी संपत्ति बनाई और इसी के सिलसिले में आज तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने आएंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके पहले तीन बार सीबीआई ने समन किया था लेकिन तेजस्वी यादव पहुंचे नहीं थे। जब कोर्ट के सामने सीबीआई ने आश्वासन दिया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके बाद उनके वकील ने आज यानी कि 25 मार्च की तारीख मुकर्रर की और आज वो पेश होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह आ रही है आशुतोष की, उनकी जो बहन है मीसा भारती, उन्हें भी ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। देखिए सीबीआई के बाद ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू की थी, उन्होंने कई जगह पर छापेमारी की थी, लेकिन मीसा भारती को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाना कहीं ना कहीं इशारा करता है कि लालू यादव और उनके परिवार वालों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, श्रेया चटर्जी भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। श्रेया, आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन काफी भारी हो सकता है लालू यादव के परिवार के लिए, क्योंकि तेजस्वी को भी बुलाया गया और मीसा भारती को भी बुलाया गया, किस तरह की तैयारी, क्या हलचल अभी सीबीआई मुख्यालय पर? देखिए मैं अभी सीबीआई के हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है और तेजस्वी यादव अपने घर से निकल चुके हैं। किसी भी वक्त वो सीबीआई के दफ्तर आज पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ जैसे कि मुनीष हमें बता रहे थे कि ईडी में भी आज मीसा भारती की समनिंग है। ये अभी क्लियर नहीं है कि मीसा भारती इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि पहले भी उन्होंने अपना समन स्किप किया था। तेजस्वी भी अपने समन स्किप करने के बाद आज पहली बार सीबीआई के सामने पेश हो रहे, जब कोर्ट से डायरेक्शन आया है। बिल्कुल श्रेया, हम देख पा रहे हैं वहां पर हलचल और आप बनी रहे क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद, तस्वीरों में सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ सीबीआई, एक तरफ ईडी, हर तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और बिल्कुल तेजस्वी यादव, जानकारी मिल रही है कि शायद वहां पर पहुंच चुके हैं। सीबीआई मुख्यालय में भी इस वक्त क्या हलचल देख पा रही है? श्रेया, आपसे जानना चाहेंगे, क्या तेजस्वी वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो लोग हैं वो सिक्योरिटी और भी पुख्ता कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त तेजस्वी यादव की जो कॉन्वॉय है वो अभी सीबीआई मुख्यालय पहुंचने ही वाले हैं। हमारे जो विजुअल्स आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और एरिया को भी एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी भी वक्त तेजस्वी यादव सीबीआई मुख्यालय पहुंचेंगे जहां पे लैंडफोर्ड जॉब स्कैम में उनसे पूछताछ होगी और सीबीआई की तरफ से इसमें इन्वेस्टिगेशन के तहत कई बार रेड्स भी हुए हैं। तेजस्वी यादव के घर पे भी छापे मारे गए। हाल ही में ईडी ने भी तेजस्वी के घर पे छापे मारे, बहुत सारे रिकवरीज भी की और जो एलिगेशंस है कि उस टाइम पे जब लालू यादव रेल मिनिस्टर थे तब नौकरी देने के हवाले उन्होंने इरेगुलरिटीज क्रिएट किए, कई ऐसे पैसे कमाए, कई ऐसे लैंड पॉकेट जो है वो चार टाइम्स कम रेट में अपने ही रिलेटिव्स और अपने ही नजदीकी वालों के नाम किए। तो ये जो पूरा आरोप है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है सीबीआई और ईडी। आज सीबीआई में एक तरफ तेजस्वी यादव को बुलाया है तो दूसरी तरफ ईडी में आज मीसा भारती को भी समन किया गया है। और किसी बिल्कुल ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं, ये गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं।
ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और सीबीआई दफ्तर के लिए, हेडक्वार्टर के लिए वो निकल चुके हैं। पूछताछ, लंबे सवालों का हो सकता है कि उनको सामना करना पड़े। आज दिन काफी उनके लिए बड़ा रहने वाला, भारी रहने वाला। एक तरफ ईडी के सामने मीसा भारती, दूसरी तरफ सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव। और पहली बार इस मामले में उनसे पूछताछ हो रही है। इसके पहले उनको 3 बार समन भेजा जा चुका था, लेकिन उन्होंने परिवार के स्वास्थ्य का हवाला दिया था। लेकिन आज वो सामना करने जा रहे हैं सीबीआई मुख्यालय सवालों का। सीबीआई के अधिकारी उनसे सवाल जवाब करेंगे। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए। मुनीश, एक तरफ सीबीआई का शिकंजा, दूसरी तरफ ईडी का शिकंजा। लालू यादव, उनके कुनबे, उनके परिवार के लिए काफी मुसीबतों का ये वक्त है। जी देखिए, मुसीबतें तो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सबसे पहले सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की थी। उन्होंने छापेमारी की, चार्जशीट दाखिल किया। और आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले कोर्ट में जब तलब किया गया था लालू यादव, उसके अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उसके अलावा मीसा भारती, तीनों ही कोर्ट में पहुंचे थे और आज की तारीख में तीनों जमानत पर है। लेकिन मुश्किलें क्यों बढ़ रही है? देखिए, जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया तो इस तरह की बातें सामने आई थी कि 7 ऐसे मामले थे जहां पर लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जो जमीन थी वो कौड़ियों के दाम पर खरीदी गई थी। लेकिन जब सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि ऐसे 200 से ज्यादा मामले हो सकते हैं। और इस मामले में जो लालू यादव के करीबी हैं, भोला यादव, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। आरोप ये लगा कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उनके परिवार के लोगों ने अपने नाम पर करोड़ों करोड़ की बेनामी संपत्ति बनाई। तेजस्वी यादव बार बार ये हवाला दे रहे हैं कि उस वक्त उनकी उम्र मात्र 14 साल थी। लेकिन सीबीआई का ये आरोप है कि बिल्कुल मनीष